नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान दुनिया भर में कश्मीर पर दावा करता रहता है, लेकिन किसी ने उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब कश्मीर पर पाकिस्तान के तेवर भी ठंडे पड़ने लगे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर अब एक बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल समा टीवी को दिए इंटरव्यू में महमूद कुरैशी ने आर्टिकल 370 को भारत का आंतरिक मामला बताया। आपको बता दें, अभी तक पाकिस्तान आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध करता रहा था, लेकिन अब आर्टिकल 370 हटने के 21 महीने बाद महमूद कुरैशी ने सार्वजनिक तौर पर इसे भारत का आंतरिक मसला बता दिया। पाकिस्तान की न्यूज चैनल समा टीवी से बात करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि देखिए, अनुच्छेद 370 मेरी नज़र में वो अहमियत नहीं रखता, अहमियत 35A रखता है। हमारे लिए जो अहम है वो है आर्टिकल 35A। उन्होंने आगे कहा कि 35A पाकिस्तान के लिए अहमियत रखता है, क्योंकि आर्टिकल 35A से वो डेमोग्राफिक परिवर्तन कर सकती हैं जैसा वो कर रहे हैं। इससे हमारे लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट प्रभावित होते हैं। वहाँ ज़मीन खरीदने का जो मौका मिलता है उसके इंबैलेंस वहाँ क्रिएट हो सकता है। कुरैशी ने कहा, दोनों देशों के बीच बातचीत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दो परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, इनके अपने मसले हैं, इनको आज, कल और परसों हल करना ही होगा। उनको हल करने का तरीका क्या है? जंग तो ऑप्शन नहीं है, जंग तो खुदकुशी हो सकती है, और अगर जंग ऑप्शन है तो बातचीत भी एक ऑप्शन है। कुरैशी ने कहा कि अगर बातचीत ऑप्शन है तो बैठकर मुद्दों को हल किया जा सकता है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। हालांकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।